आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक पहला अध्याय वचन 1 से 14। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था।